सर, मैं यहाँ पे गलती के साथ मार्गरेटा का प्रमोशन कर रही थी और हमारा यहीं पे स्क्रीनिंग्स हो रहे थे एक हफ्ते से. एंड इट जस्ट फील्स रियली नाइस बिकॉज राइट आफ्टर मार्गरेटा कल्कि डिड दिस फिल्म. एंड इनफैक्ट आई हैव अ फ्रेंड हु वाज द ईपी ऑन दिस फिल्म, नैन्सी. और मैं 5 की शूटिंग कर रही थी तब उसने मुझे बताया था कि यू नो आई एम ट्राइंग टू गेट इन टच विद नसीर, कैन यू पुट मी इन टच विद हिम. एंड देन आई गॉट टू नो दैट ही इज आल्सो डूइंग इट. सो आई थिंक वेटिंग इज अ वेरी स्पेशल फिल्म बिकॉज दे टू इनक्रेडिबल एक्टर्स. वी बोथ नसीरुद्दीन शाह डजंट नीड एनी इंट्रोडक्शन. ही इज वन ऑफ द यू नो फाइनेस्ट एक्ट्रेसेस इन द वर्ल्ड, सॉरी एक्टर्स इन द वर्ल्ड. एंड कल्कि ऑल्सो यू नो शी इज ग्रोन फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ एज अ परफॉर्मर एंड एक्टर. With every film that you see of hers, she's just become better. And I'm really looking forward to the film because it's also a very simple story and it's a relationship story. मुझे बहुत पसंद है ऐसी फिल्में जो दो लोगों के, दो इंसान के रिलेशनशिप के ऊपर है और दो एकदम स्ट्रेंजर्स हैं जो एक दूसरे से मिलते हैं. और क्योंकि उनके दोनों के स्पाउसेस कोमा में हैं और वो वेटिंग रूम में, एक हॉस्पिटल के वेटिंग रूम में उनकी दोस्ती शुरू होती है और फिर वो एक दूसरे के एक सपोर्ट सिस्टम जैसे बन जाते हैं. सो आई एम रियली लुकिंग फॉर द फिल्म. अनु मेनन, आई हैव हर्ड सच रियली गुड थिंग्स अबाउट हर. एंड इट्स एन ऑल वुमन क्रू. सो आई थिंक या इट्स गोना बी, आई रियली होप द फिल्म डज एक्सेप्शनली वेल. कल्कि बहुत कमाल की इंसान है एक्चुअली और मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा. शी इज़ बीन अ रियली रियली डियर फ्रेंड एंड शी इज़ वन ऑफ माय क्लोजेस्ट फ्रेंड्स इन लाइफ. और अभी तो सेकेंड वन इज दिस वन. सो और हम लोगों का ऐसा है कि मेरे पास ना लास्ट ईयर तक वो नहीं था, जूते नहीं होते थे तो हमें ऐसे जैसे जूते पहनने पड़ते अलग अलग रोज़ रोज़. तो मैं कल्कि के घर पे जाती हूँ और उसका एकदम पूरा वॉल जोड़ के एकदम शू कलेक्शन है. अभी मेरा भी है वैसा, पर कुछ दिनों पहले तक मैं हर इवेंट से पहले उसके घर जाती थी और मैचिंग करके जूते पहनती थी उससे. एंड आई थिंक यू नो स्पेशली कल्कि, राधिका, मी, वी आर इन दिस इंडस्ट्री. आई एम एक्चुअली द न्यूएस्ट बट आई थैंकफुली लकीली आई एम वेरी वेरी फॉर्चुनेट टू हैव गॉटन फ्रेंड्स लाइक देम. इज जस्ट इट मेक्स लाइफ रियली सिंपल. और ये लोग बहुत नॉर्मल लोग हैं, आप जैसे ही है तो वो ऐसे स्टार वाला कुछ है नहीं उनमें तो. और बहुत सारा कल्कि स्पेशली मुझे काफ़ी सारे एडवाइस देती है करियर को लेके, काम को लेके भी. और शी हैज़ अ गोल्डन हार्ट रियली. सो या आई एम वेरी एक्साइटेड. मेरा नेक्स्ट रिलीज है बार बार देखो एक्सेल के साथ है, नित्या मेहरा डायरेक्टर है तो इसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा, कटरीना कैफ है. सो देखते हैं, आप लोग तो प्लीज़ आइए देखिए, पर अभी तो टाइम है. थैंक यू, थैंक यू. Both of them, they both are outstanding actors and
एंड आई कांट वेट टू सी वेटिंग. आई थिंक द प्रोमो वाज जस्ट सेड इट ऑल. इट्स सच अ लवली लवली फिल्म. Love about her. She's total man, beauty at heart, and she has this. And as an actor, I think she's outstanding. She's one of the best actors we have around right now. Keep me busy. I have 3 visas coming up this year. One is a Malayalam film called White with Mr. Mammootty, which I'm very excited about. Then Gurinder Chadda's film, which I'm currently dubbing for, called Viceroy's House, and a film with my brother called Dobara. So everything is releasing this year. So it's going to be like a busy year, inshallah. Let it happen. Okay, thank you guys. Let me watch the film. मैम रुक गया. Well, we became friends because we connect on several levels. We've been very, very close friends. And coincidentally, both our films are releasing at the same time, which is amazing. Both small films and need absolutely every kind of support. So we are here to support each other. बहुत पसंद करती हूँ और ऑफ बिट नहीं है उतनी कमर्शियल जितनी ऑफ बिट मैं कैटेगरीज नहीं करती और आई एम श्योर आई एम गोना लव इट बिकॉज आई लव कल्कि एंड नसीर सर सो वेरी एक्साइटेड. नहीं ऐसा नहीं होता. कोई भी काम है काम काम है तो कोई भी तरीके का रोल हो उसको उसी सिंसियरिटी से निभाना पड़ता है. ड्रीम रोल कोई नहीं है. नहीं ऐसे कभी मैं सोचती नहीं हूँ. नॉर्मली राइवलरी होती है. ये अजम्पशन गलत है. ये लोगों का परसेप्शन है और वो सही नहीं है. इज दैट ओके. थैंक यू. आई एम वेटिंग वेरी डेस्परेटली एंड ईगरली एंड बिकॉज my dearest teacher Masuddin Shah, he is acting in it and his films are always a lesson in acting, so I'm here as a student to look at him. And Kalki is a very dear friend and we have worked together and yeah, very very eager ji. Ha, aap awaaz sunai nahi de. पार
बहुत ही पुरानी फिल्म है. उसके बाद मैंने देखा जो अंधे थे वो, मिर्च मसाला ऑफ कोर्स, देन आई हैव सीन सो लॉट ऑफ इट, बट दिस टू आर वेरी क्लोज टू माय हार्ट. नहीं, मेरे ख्याल से कोई भी एक्टर जो एक्टिंग से प्रेम करते हैं, वो मेरे ख्याल से हमेशा देखेंगे कि उस रोल में कुछ करने लायक है कि नहीं, या उसमें कुछ अलग है कि नहीं जो उसने पहले किया हो. तो हमेशा देखता हूँ स्क्रिप्ट में दम है कि नहीं, क्रेडिबल है कि नहीं, और डायरेक्टर अच्छे हैं कि नहीं. प्रोडक्शन हाउस नया डायरेक्टर भी हो, लेकिन उनके साथ बात करके पता चले कि ये बंदा जो है ठीक ठाक कर लेगा आपको, ताकि 30 दिन या 20 दिन जो भी आप काम करते हैं वो काम करने लायक हो. फिल्मों में एक्टिंग करने के लिए मुझे सबसे जो मुश्किल लगती है वेटिंग, क्योंकि वहाँ मेरे ख्याल से एक्टिंग से ज़्यादा आप वेट करते हो, और वेटिंग बहुत ही मुश्किल काम होता है मेरे लिए. अभी आदत हो चुकी है कि चलो कर लेते हैं, तो सबसे मुश्किल वो लगता है. Well, I look forward to work with Kalki again and Radhika, very, very, very fine actor, and Rajkumar, Manoj, Irfan, Nawaz, Naseer Saab. I've got a lot of projects. I'm doing a lot of international projects. The Love Sonia is an international project. I've done Parch with Radhika. Then I'm doing Robo 2. I am doing Force 2, Commando 2, बहुत सारे. नो, आई थिंक दैट मोदी सरकार के दो साल में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि जो देश के गरीब लोग हैं, किसान हैं, उनके प्रति ज़्यादा ध्यान दें. और अगर ये किसान ना होकर के कोई डॉक्टर्स, 2,000-3,000 डॉक्टर्स अगर सुसाइड करते तो समाज कैसे बिहेव करते, उस रिएक्ट कैसे करते. अगर वो किसान ना हो करके अगर कोई कंप्यूटर इंजीनियर्स होते या पॉलिटिशियंस होते, जो 10,000 पॉलिटिशियंस सुसाइड करते, तो हम कितने अर्जेंसी के साथ हम उनके वी वुड हैव गॉन अहेड एंड टेकन सम स्टेप्स. सो आई थिंक सरकार, मोदी सरकार हो या कोई भी सरकार हो, दे मस्ट वर्क फॉर द बेनिफिट ऑफ द पोरेस्ट ऑफ द पुअर. दैट शुड बी द फर्स्ट थिंग. आई डोंट थिंक इट इज इम्पॉर्टेंट टू वर्क ओनली फॉर द प्रोग्रेस फॉर द रिच पीपल. दैट्स व्हाट आई थिंक. थैंक यू, बाय. वेटिंग वेट. अब तक मेरे फ्रेंड्स आए नहीं, आज आ रहे हैं, होपफुली आ रहे हैं, और इसके लिए मैं इंतजार कर रही हूँ, वेटिंग कर रही हूँ. कल तो ज़्यादा क्रिटिक्स देख लिए और अच्छे रिव्यूज़ आए हैं, तो ये बहुत इंकरेजिंग बात है.
लेकिन मेरे रियल क्रिटिक्स मेरे दोस्त हैं, तो आज देखेंगे क्या सीखते हैं। मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ, मैं अपनी इस परफॉर्मेंस से कभी सेटिस्फाइड नहीं हूँ कम्प्लीटली, क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे और बेहतर काम करना चाहिए। अगर मैं एकदम खुश थी तो काम ही रिटायर करूँगी, रिटायर हो जाऊँगी, बट मैं फिल्म के साथ बहुत खुश हूँ। एक बहुत ही ऑनेस्ट फिल्म बन गई है, ईमानदारी वाली फिल्म है, और नसीर साहब ऑफ कोर्स फैंटास्टिक है इसमें, एज इज रजत कपूर एंड रत्नाबली भट्टाचार्य एंड सुहासिनी मणिरत्नम एंड मेनी ऑफ द अदर एक्टर्स। नहीं, मुझे सब कुछ करना चाहती हूँ, मैं मुझे आर्ट फिल्म और कमर्शियल फिल्म दोनों करना चाहती हूँ, मुझे बस अच्छे फिल्म करना चाहती हूँ। बुरे फिल्म है और अच्छे फिल्म है, मुझे बस अच्छे फिल्म करने। तारा, या आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ एंटाइटल्ड यंग गर्ल्स हु यू नो थिंक दैट मोर्टैलिटी डजंट अफेक्ट देम, व्हेन यू आर यंग यू डोंट थिंक अबाउट डेथ, and who are social savvy media, you know, social media savvy girls, you know, living their life through social media. I think sometimes I get into that trap as well, although I think I'm pretty different from that. अगर कुछ पुरानी फिल्मों की बात करें, जब आपने इसके लिए लिखी थी उसकी और आपके कुछ फ्रेंड्स आए थे, तो आपने क्रिटिसिज्म कैसे लिया और उन्होंने क्या किया आपको? क्या उन्होंने अगर क्रिटिसिज्म किया हाँ क्रिटिसिज्म तो मुश्किल बात है क्रिटिसिज्म लेने के लिए, लेकिन आई ट्राई टू लिसन, और डेफिनेटली पास में लोग ने मुझे क्रिटिसाइज किया मेरी हिंदी के लिए, क्योंकि काफ़ी कमज़ोर है, तो उसके ऊपर मैंने मेहनत की। जब मैं फिल्म कर रही हूँ तो ट्यूटर के साथ बहुत मेहनत करती हूँ और डिक्शन टीचर के साथ, और जनरली हाँ मैं आई थिंक रिलीज डेट के बाद ही अच्छे वाले क्रिटिसिज्म आ जाता है, थोड़ी देर बाद जब हम आराम से बैठे हैं और ये सारी स्ट्रेस निकल चुकी है, तो तब मेरे दोस्त के साथ बैठ के आराम से सुन जाती हूँ, सुनूंगी। ये अनीता डोंगरे का आउटफिट है। किसके साथ काम करना चाहती हूँ? काफ़ी सारे एक्टर्स के साथ काम करना चाहती हूँ, इरफान खान, विकी कौशल, कंगना रनौत, राधिका, या यस आई सीन फोबिया, आई लव्ड इट, आई थिंक इट्स अ ब्रिलियंट फिल्म, शी इज माय मे बी वन ऑफ हर बेस्ट परफॉर्मेंसेज, या पता नहीं, उनसे पूछिए। आप क्या चाहती हैं? आप करना चाहते हैं? बिल्कुल, वो बहुत अच्छा डायरेक्टर है, बहुत अच्छा ह्यूमन बीइंग है। थैंक यू। मिल रहे हैं यहाँ पे? ओके, कोई क्वेश्चन पूछना है? या इट्स ग्रेट, इट्स द फाइनल काउंटडाउन and lots of reviews are out and a lot of people have liked the film, so now we just hope tomorrow the audiences also go out and watch the film and tell us what they think. So yeah, they're very excited. How do you think for Kalki and Nasir together as Because the film needed two people who are very different from each other, so I think yeah, these two people, you know, they're so different, they come from different worlds. And yeah, I sent the script to both of them. They were the only two actors who read the script and they loved it, and so that's why they are together.
Anything else? Just the last question. Notice the parents coming 2 years today. So what do you think of that? Right now I'm not thinking about that. Because, you know, I'm ready, getting ready for myself. Thank you. Thank you. No, I'm very excited. When you have two phenomenal actors, like, of course, Naseer sir is our god of acting in India, and then Kalki, I'm pretty excited for them. I have worked very briefly with Kalki on my earlier days in my film Shaitan, but I haven't got any opportunity. I haven't been that fortunate to work with Naseer Saab as of now. But I'm truly looking forward to work with him someday. He's so informative. What are you finishing for next? I finished a film with Motwani sir, Vikram Motwani sir, and another one called Newton with the same producers, Desham Films, which I'm really looking forward to. And there's something which me and Hansel sir is also planning. We're also planning. Any wishes for the movie? Sorry? Any wishes for the movie? Yeah, of course, all my good wishes with the film. I'm quite excited to watch it now. And I'm quite sure it will be a phenomenal film. And Sultan has completed 2 years today. So what Who's Modi, Modi Sultan has said? This is not a platform to talk about what movies. What do you have to say about the chemistry? Whenever I see two great actors on screen, I feel fabulous about it. So, as I said, I'm just waiting to get inside now and see this chemistry happening. Thank you. Thank you.